Good morning, this is BK Preschool Senior Online Class. I am Shubhas sir. This is the class for standard 1 students. Subject is English Literature. बच्चों, इससे पहले हमने क्या किया था? हमने word power किया था और chapter को समझा था. It was a very interesting story, I guess. Today we will start the exercises. बच्चों, अपने अपने books निकाल लीजिए. Page number 5757. Okay, word power. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वर्ड पावर ए कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम अलोंग हमें इन वर्ड्स को पूरा करना है स्पेलिंग्स कुछ इसमें मिसिंग है हमें लेटर्स को फिल करके वर्ड बनानी है पहली वाली वर्ड क्या बनेगी माउस ओ एन एस पुट करेंगे एंड लिखेंगे माउस एम ओ यू एस ई माउस यानी कि चूहा नेक्स्ट टी और एन मिसिंग है T और N लगा देंगे What is the word? Turnip T-U-R-N-I-P Turnip यानी कि शलगम Next word इस word में O और A missing है Woman The word will be woman यानी कि औरत W-O-M-A-N Woman And the last word इसमें A और P missing है Write down A and P The word will be H-A-P-P-Y Happy यानी कि खुश Next Use the following words in your own sentences. हमें वाक्य बनाने हैं. Number one, hold, यानी कि पकड़ना. चलिए hold से बनाते हैं sentence. The cat took hold of my shirt. उस बिल्ली ने मेरे शर्ट को पकड़ लिया. The cat took hold of my shirt. Next, giant, यानी कि विशाल आकार का, बड़े साइज का. It is a giant elephant. यह एक बहुत विशाल हाथी है इट इज अ जायंट एलिफेंट फुल स्टॉप बच्चों सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप देना नहीं भूलेंगे नेक्स्ट फेयर एफ ए आई आर फेयर मतलब समान 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 बराबरी का द फ्रेंड्स डिमांडेड अ फेयर शेयर एस एच ए आर ई शेयर ऑफ केक जितने भी फ्रेंड्स थे दोस्त थे उन्होंने केक का फेयर शेयर मांगा डिमांड किया शेयर मतलब हिस्सा नेक्स्ट ओल्ड शी इज एन ओल्ड वुमेन वह एक बूढ़ी औरत है शी इज एन ओल्ड वुमेन द लास्ट ग्राउंड मतलब जमीन वी लव टू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड हम सब जमीन में मैदान में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वी लव टू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ए नंबर चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नंबर वन द ओल्ड मैन वाज अ बूढ़ा आदमी क्या था बिजनेसमैन फार्मर स्टूपिड या विडोवर ओल्ड वुमेन तो फार्मर था हमने पढ़ा है ना स्टोरी में द ओल्ड वुमेन वाज अ फार्मर तो फार्मर पे टिक करेंगे टिक बिसाइड द फार्मर टर्न ओवर द पेज सी The old man called over the old man ने किसको बुलाया हेल्प के लिए ऑप्शंस में क्या क्या है ग्रैंड डॉटर ओल्ड वुमेन डॉग और कैट द आंसर विल बी ओल्ड वुमेन ओल्ड मैन ने ओल्ड वुमेन को हेल्प के लिए बुलाया सो टिक इन द बॉक्स और ओल्ड वुमेन थर्ड द कैट टुक होल्ड ऑफ द कैट ने किसको पकड़ा था टर्नी को खींचते वक्त द कैट टुक होल्ड ऑफ द डॉग इनमें से सही आंसर क्या है डॉग डॉग में टिक करेंगे द लास्ट द माउस टुक होल्ड ऑफ द माउस ने किसको पकड़ा था पीछे से कैट द माउस टुक होल्ड ऑफ द कैट कैट इज द करेक्ट ऑप्शन टिक नियर कैट बी नंबर राइट सी फॉर करेक्ट एंड आई फॉर इनकरेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी सेंटेंस को पढ़ेंगे और अगर सेंटेंस सही है तो सी लिखेंगे करेक्ट अगर सेंटेंस गलत है तो आई लिखेंगे आई फॉर इनकरेक्ट नंबर वन द ओल्ड फार्मर प्लांटेड सम रेडिश सीड्स रेडिश मतलब मूली क्या ओल्ड फार्मर ने मूली के बीज लगाए थे नहीं उन्होंने टर्निप के बीज लगाए थे आई लिखेंगे ये पिंक बॉक्स है अगर मैं पेंसिल से लिखूंगा पिंक बॉक्स में आपको दिखाई नहीं देगा बच्चों इसलिए सर ने बॉक्स के सामने लिखे आप लोग बॉक्स के अंदर लिखेंगे ओके Just to make it clear, I have written out of the box. Right? I, capital I. ये sentence गलत है. Incorrect. Number two. The turnip was very small. क्या turnip बहुत छोटा था? No. It was a giant one. ये भी incorrect है. Right? I. Third. The old woman, old man
पुल्ड अप द टर्निप, क्या ओल्ड मैन ने टर्निप को खींचा था? यस करेक्ट. सी राइट ऑन सी, द ओल्ड वुमेन टुक होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन, क्या उस बूढ़ी औरत ने ओल्ड मैन को पकड़ा था पीछे से? बिल्कुल सही. सी राइट डाउन करेक्ट, द ग्रैंड डॉटर टुक होल्ड ऑफ द ओल्ड वुमेन, क्या उस ग्रैंड डॉटर ने ओल्ड वुमेन को पीछे से पकड़ा था? यस करेक्ट राइट सी, द कैट एट द माउस, क्या बिल्ली ने माउस को खा लिया? नो राइट डाउन आई, आई फॉर इनकरेक्ट. बच्चों अब हमने क्या किया, एक्सरसाइज ए एंड बी वर्ड पावर का हमने कंप्लीट किया और एक्सरसाइज ए एंड बी अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी का कंप्लीट किया. अच्छे से वीडियो को देखेंगे और अपने क्लास में और होमवर्क कॉपी में सारे नोट्स बनाएंगे, बुक में भी आप इसे कंप्लीट कर लेंगे एंड लर्न कर लेंगे. थैंक यू किड्स, हैप्पी लर्निंग.